अजय भट्ट जी, श्री अजय भट्ट जी, श्री मनीष तिवारी जी, क्वेश्चन नंबर 182, सुशील कुमार सिंह, क्वेश्चन नंबर 182, है कि यह प्रश्नकाल है, यह प्रश्नकाल चलता है, लोगों की समस्याओं को मेंबर उठाते हैं। जोशी जी को बुला दीजिए। सर 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 श्री जोशी जी, सर आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई इट ऑन रिकॉर्ड, हमने कल भी ये बताया, यस्टरडे आल्सो वी हैव कम्युनिकेटेड दैट आफ्टर रिस्टोरिंग द नॉर्मलसी 11 तारीख को लोकसभा में दिल्ली के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, राइट हुआ है, उसके लिए चर्चा के लिए हम तैयार है। अभी होली भी आ रहे हैं, ये सब मद्देनजर रखते हुए हमने पूरा चर्चा करने के लिए तैयार है 11th को लोकसभा में, और तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, हमको बहुत बिल भी पारित करना है, और सेंस ऑफ द हाउस है कि चलना चाहिए, ये तो हाउस सेंस ऑफ द हाउस है। ये हमने 11th को चर्चा पूरा करने के लिए भारत सरकार तैयार है, ये तो हमने अपोजिशन लीडर को भी कहा है, लेकिन इन लोग सदन चलाना नहीं चाहते हैं। अगर वो सदन चर्चा चाहते हैं तो सदन चलाने दो, इतना ही मैंने इनको कहता हूँ। 11 तारीख को लोकसभा में और 12 तारीख को राज्यसभा में हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये चर्चा नहीं चाहते हैं, ये डिसरप्शन चाहते हैं, लोगों का समस्या का चर्चा वो नहीं चाहते हैं। मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि आप कृपया सदन चलाने दो, हम चर्चा के लिए तैयार है। देखिए आप अपने स्थान पर जाइए, आप अपने प्रश्न पूछिए। आपके आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को से जानना चाहता हूं कि मुझे जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं उसके अनुसार देश में स्टील ग्रेड कोयले का उत्पादन लगातार घट रहा है, जिसके कारण सेल जैसी सरकारी कंपनी को अपने ज़रूरत के अनुसार कोयला आयात करना पड़ रहा है, जिससे देश को राजस्व का घाटा होता है और विदेशी मुद्रा खर्च होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब दूसरे ग्रेड के कोयले को वॉश करके स्टील ग्रेड कोयला बनाया जा सकता है, तो सरकार क्या इस तरह का विचार रखती है, क्या सरकार ये विचार रखती है कि इस सेल को उसकी ज़रूरत के अनुसार कोयला आपूर्ति करने के लिए नए वासरी लगाए जाएं और कोल वाश करके सेल को वो मंत्री जी जवाब देते हैं। ऐसे तो सरकार का विचार है जो सब्स्टिट्यूटेबल कोल इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं, ये नॉन सब्स्टिट्यूटेबल कोल में ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, फिर भी सरकार वासरी के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी एक टारगेट दिए हुए हैं, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है 23-24 तक हम पूरा जो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है ऐसा कोल इंपोर्ट बंद करने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा कोल के उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने बहुत कदम उठाया है, और इसके लिए रिसेंट जो ऑर्डिनेंस है अभी हमने बिल भी पेश किया है लोकसभा में, अगर वो पारित हुआ तो हमारा प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, ऐसे में विश्वास है। सेकंड सप्लीमेंट्री महोदय, सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीएल के द्वारा भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा वर्ष 1316 के बीच में बीसीसीएल ने स्टील ग्रेड कोल को सब स्टैंडर्ड कोल से मिला दिया। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार इससे सरकार को 95 करोड़ का घाटा हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि मंत्रालय ने इस घाटे के लिए बीसीसीएल के विरुद्ध क्या एक्शन लिया और क्या एक्शन लेना चाहती है। ये सीएजी रिपोर्ट सहज रूप में इसका एक्शन होता रहता है, फिर भी ये जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है, मैं
जानकारी इकट्ठा करके मैं सदस्य को बताता हूँ। सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।